में एसपीएन न्यूज़ स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कल चौथे चरण का मतदान है और कल तय हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। हालांकि तीन चरणों के मतदान हो चुके हैं और तीनों चरणों के मतदान से इतना तो साफ है कि जनता इस बार बीजेपी के साथ नहीं खड़ी है। तमाम ऐसे मुद्दे जो बीजेपी के सामने खड़े तो हैं लेकिन सरकार उनका जवाब नहीं दे पा रही है। चौथे चरण की शुरुआत हमने की है, चौथे चरण में क्या क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा और क्या वाकई कांग्रेस पार्टी चौथे चरण में कुछ बड़ा कमाल कर सकती है। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी मेघा, और मेघा हमारे साथ पहले भी जुड़ चुकी है और तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत भी की है। तो मेघा बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। मेघा मेरा पहला सवाल रहेगा, चौथे चरण का कल चुनाव है, तमाम राजनीतिक पार्टियां दावा तो ये कर रही हैं कि हम सबसे ज्यादा सीटें निकालेंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की बात करें तो कितना फर्क पड़ रहा है कांग्रेस को यहाँ पर, कितनी सीटें निकाल सकती है, और प्रियंका गांधी का वो नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट इस चरण के चुनाव पर पड़ेगा? देखिए चौथे चरण का जो चुनाव होने वाला है वो ज्यादातर उन इलाकों में होने वाला है जहाँ पे बीजेपी का गढ़ रहा है, जहाँ पे बीजेपी सालों से जीतते आ रही है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उस जगह पे कांग्रेस क्या कर दिखाती है, क्या ये उनका अगर इस जगह पे अपना वो गढ़ को बना पाती है कि नहीं, क्योंकि बीजेपी यहाँ ऑलरेडी जीतती आ रही है, उतने सालों से जीतती आ रही है। लेकिन आपने जैसे बोला प्रियंका गांधी को लेकर, तो प्रियंका गांधी का जो ये कैंपेन है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर वो काफी बहुत बड़ा है और काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से जितनी महिलाएं हैं उन्हें उनके सपोर्ट में आ चुकी है। तो मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं काफी बहुत फर्क पड़ने वाला है। मेघा जी हमने ये देखा कि बसपा की भी सरकार रही है, समाजवादी की भी सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, पूरे 5 साल का कार्यकाल योगी सरकार ने किया, लेकिन इन्होंने इतना ज्यादा महिलाओं पर फोकस नहीं किया, युवाओं पर इतना फोकस नहीं किया, किसानों पर इतना फोकस नहीं किया जितना विपक्ष में रहकर आज प्रियंका गांधी कर रही है। तो ये जो फोकस प्रियंका गांधी कर रहा है, क्या जनता समर्थन देगी कांग्रेस को, क्या प्रियंका गांधी को उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी यहाँ पर? जी मुझे लगता है कि जनता बिल्कुल समर्थन देगी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने उन उन मुद्दों को उठाया है जो मुद्दे नजरअंदाज हो रहे हैं यूपी में। जो मेन मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो मेन मुद्दा है यूपी में, और जो महिलाओं की सुरक्षा का और उनके उनके बेरोजगारी का मुद्दा है, उनकी शिक्षा का मुद्दा है, ये सब यूपी में कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो चुका है, ये सब कहीं ना कहीं धर्म के नीचे आ गया है, दब चुका है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सही मुद्दा उठाया और आम आदमी अब इन मुद्दों की वजह से अब मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ फोकस दे रही है, क्योंकि वो भी अब तंग आ चुकी है महंगाई से और बेरोजगारी से। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दों का काफी फायदा होने वाला है। मेघा जी इस चुनाव में जीत किसकी होगी, धर्म वर्सेस जाति की जीत होगी या फिर मुद्दों की जीत होगी? क्योंकि अभी तक जहां तक हमने समझा है, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा, बसपा ने दलितों पर कार्ड खेला, बीजेपी ब्राह्मण वोटर को लुभा रही है, समाजवादी पार्टी यादव को लुभाने की लगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबकी बात करती है, सबके विकास की बात करती है। तो कितना फर्क पड़ेगा, क्या इस जो 10 तारीख को नतीजे आएंगे उसमें धर्म और जाति की जीत होती नजर आएगी या फिर मुद्दों की जीत होगी? मुझे लगता है कि अब जो नतीजे मुझे लगता है कि 10 मार्च को आएंगे वहां पे मुद्दों की जीत होगी, क्योंकि जो धर्म और जाति वाले हैं उन्हें भी इन सारे मुद्दों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो आप सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे वोट नहीं ले सकते, इन मुद्दों पे आपको बात करनी होगी, क्योंकि जो धर्म और जाति वाले लोग हैं उन्हें भी इन मुद्दों पे बात करनी, उन्हें भी इन मुद्दों के लाभ चाहिए, उन्हें भी इन सारी चीजों के लाभ चाहिए। आप अगर एक पर्टिकुलर धर्म की बात करो तो या फिर एक कास्ट की बात करो तो वो भी वही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जो दूसरे कास्ट वाले गुजर रहे हैं, वो भी बेरोजगारी से गुजर रहे हैं, वो भी महंगाई से गुजर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने सिर्फ एक धर्म या एक मुद्दे को लेकर, एक जाति को लेकर बात नहीं की, उन्होंने बस कहा कि मैं अगर जीतूंगी, मैं सरकार में आएंगी तो मैं सबको इक्वली ही चांस दूंगी, इक्वली ही सारे लेवल पे काम करूंगी, ना कि कोई धर्म या कोई जाति को पकड़ के। यानी कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने 70 साल पहले देश में राज किया और सबके विकास की बात की, आज भी प्रियंका गांधी सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है, सबके विकास की बात कर रही है। मेघा जी मेरा बहुत बड़ा सवाल रहेगा कि अमेठी में बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लग चुका है और हमने देखा कि अमेठी निकल चुकी है कांग्रेस के हाथ से, लेकिन रायबरेली बचाने की जरूरत है, सोनिया गांधी का गढ़ कहा जाता है, प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप आइए रायबरेली में कुछ कीजिए, और क्या लग रहा है कि रायबरेली में कांग्रेस कुछ कमाल कर पाएगी या फिर गांधी परिवार की जो दो खास सीटें हैं अमेठी और रायबरेली, रायबरेली में भी इस बार नुकसान हो सकता है?
जी मुझे नहीं लगता कि ये राज्य का चुनाव है। आप जो चुनाव की बात कर रहे थे वो सेंट्रल वाला था, लोकसभा का चुनाव था, तो राज्य के चुनाव में फर्क पड़ सकता है। यहाँ पे जो उनका गढ़ है उसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से जो प्रियंका गांधी वो सामने आके जो वो एक कांग्रेस का चेहरा बन के आई है इस यूपी इलेक्शन में, और उन्होंने जितने दावे किए हैं उतनी किसी भी दूसरी पार्टी ने नहीं किए, तो मुझे लगता है सिर्फ यही दो गढ़ नहीं पूरे यूपी में इस चीज का इम्पैक्ट पड़ा है, और लगता है कि मुझे वो कायम रहेगा वो चीज, और उनका जो गढ़ है वो कायम रहेगा और वो जीतने में उनकी मदद करेगा मुझे लगता है। यानी कि हमारे सहयोगी ने साफ तौर पर कहा है कि मुद्दों की जीत होगी, और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको योगी सरकार ने उठाया नहीं है, और यही मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार के लिए इस बार परेशानी का सबक बनते चले जा रहे हैं। हालांकि 10 मार्च को पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी, ये पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ खड़ी थी और किसके साथ नहीं। लेकिन मेघा जी मेरे साथ जुड़िए, एक आखिरी सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को झटका लगता है तो क्या लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को खतरे में है, इसलिए पीएम मोदी को उत्तर प्रदेश उतरना पड़ा, गृह मंत्री अमित शाह को उतरना पड़ा? जी मुझे लगता है कि लोकसभा की बात नहीं, उन्हें लग रहा है पहले कि यूपी के सीटों को बचाया जाए, क्योंकि यूपी का बहुत बड़ा योगदान है वहां के सीटों का। अगर वहां अगर बीजेपी अपना मुकाम बना पाती तभी जाके लोकसभा में कुछ आगे वो लीड कर पाएंगे। इसी वजह से उन्हें ये डर है कि अगर यूपी में उन्होंने अपनी सरकार खो दी तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट पड़ेगा जाकर पीएम मोदी को आगे चलकर। तो मुझे लगता है इसी वजह से वो लोग सब यूपी में उतर चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि वो जो सीट है उनकी वहां पे जो कुर्सी है वो बचाई जा सके, और इसी वजह से जो जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता है वो वहां पे आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं इस बार वो सीट उनके हाथ से ना निकल जाए। और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से होके ही दिल्ली का रास्ता दिल्ली तक पहुंचा जाता है, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगता है तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में भी झटका लगेगा, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश उतरना पड़ा, गृह मंत्री अमित शाह को उत्तर प्रदेश उतरना पड़ा। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि जो हाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी का हुआ था वही उत्तर प्रदेश में होगा। अब ये तो 10 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता ने क्या फैसला सुनाया, और क्या वही हालात उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तो नहीं होने वाली जो पश्चिम बंगाल में हुई थी। तमाम और खबरों के लिए आप लोग बने रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ, और एसपीएन 9 न्यूज कल सुबह 8 बजे से लाइव करेगा। जी हाँ, चौथे चरण का कल मतदान है और हम और हमारी टीम लगातार एक एक खबर को अपडेट करते रहेंगे, एक एक जानकारी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आखिरकार जो वोटिंग पड़ रही है और वोट डालकर जो लोग आ रहे हैं वो किस पर वोट कर रहे हैं। तो मेघा जी मेरे साथ जुड़ी थी, बहुत बहुत शुक्रिया मेघा जी आपका, और तमाम जानकारियों के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।